नमस्कार दोस्तों, शेर बनिए गीदर नहीं, क्योंकि जंगल राज चल रहा है। हर तरफ जंगल राज चल रहा है। मैं ये चारों तरफ देख रहा हूँ, आप सब भी देख रहे हैं कि सभी एक दूसरे के छाती पर सवार हैं, सभी एक दूसरे को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे लगता ही नहीं कि हर तरफ प्रेम है, और अगर 50% प्रेम है तो 50% नफरत भी है दुनिया में। और सबसे जो मुश्किल बात मुझे दिखाई पड़ती है वो है कमज़ोर को दबाने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी। मैं हर जगह देखता हूँ कि लोग किस तरह से कमज़ोर को दबाते हैं, सताते हैं, यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर मार भी डालते हैं। तो आज के वीडियो बनाने में मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, शेर बनिए गीदड़ नहीं। क्योंकि परिवार हो या समाज हो या ये दुनिया हो, कमज़ोर बनिएगा लोग आपको गुलाम बनाएंगे, शेर बनिएगा जहाँ रहेगा सुखी रहेगा। लेकिन शेर कैसे बनिएगा, सवाल यह है कि शेर कैसे बनिएगा। क्योंकि सबसे पहले तो मैं देखता हूँ अपने परिवार में ही, अगर आपके परिवार में 5 लोग रहते हैं तो जो उसमें से कमज़ोर होगा, उसके छाती पर सवार है, वो जो ताकतवर है। परिवार में भी लोग एक दूसरे के छाती पर सवार रहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कौन कमज़ोर मेंटलिटी का मिल रहा है। जो कमज़ोर मेंटलिटी का पकड़ा गया, पूरा परिवार उसकी धुनाई कर देता है। और वो कमज़ोर मेंटलिटी का व्यक्ति कोई भी हो सकता है, घर का बच्चा हो सकता है, घर की बच्ची हो सकती है, घर की माँ हो सकती है, घर का बाप हो सकता है। जो कमज़ोर हुआ, बाकी सब उसको उसके छाती पर सवार हो जाएंगे। परिवार से बाहर आप समाज में निकलिए, समाज में देखिए तो आपके छाती पर सवार होने के लिए बहुत लोग उतावले हो रहे हैं। जंगल राज चल रहा है, कोई कमज़ोर दिख गया तो उसको देख के होता है, अरे इधर आओ, क्या बात है सर, वही कोई ताकतवर होता तो 4 जूता लगाया था वहीं पर। तो प्यारे दोस्तों, समाज जब भी आप निकलते हैं और अगर आप कमज़ोर हैं, मैंने देखा है अपनी आँखों से देखा है कि समाज में कोई कमज़ोर व्यक्ति जा रहा तो उसको लोग किस तरह से बुलाते हैं, किस तरह से लोग उसको आवाज़ देकर बुलाते हैं, गालियाँ देकर बुलाते हैं बेवजह, सिर्फ इसलिए कि वो कमज़ोर है, उसके देह में जान नहीं है, उसके पॉकेट में माल नहीं है, या और भी बहुत सारी कमी है, उसको लोग बुलाते ऐसे हैं। मेरे एक दोस्त कहा करता था, अब तो दोस्त दुनिया में नहीं है, कि समाज में कुत्ता का इज्जत है लेकिन गरीब का इज्जत नहीं है। जो बात ये दोस्त कहता था, अब तो नहीं रहा, शुगर पेशेंट थे वो। वो मुझे एक बार नहीं बहुत बार कहते थे कि सरोज भाई, समाज में कुत्ता का इज्जत है लेकिन गरीब का इज्जत नहीं है। आप सभी देखे होंगे, आप सभी जानते हैं कि लाखों करोड़ों कुत्ते हैं जो मालों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, अच्छे बिस्तर में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, कार्स में घूमते हैं, लेकिन आपने ऐसे गरीब भी देखे होंगे जो जूठे पत्तल चाटते हैं। प्यारे दोस्तों, आज मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, लगभग आज मेरे 1800 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि जो कोई भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप सभी को कुछ अपने जीवन के अनुभव बता सकूं। और आज भी अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जंगल राज चल रहा है, शेर बनिए गीदड़ नहीं। दुनिया में कहते हैं ना, 200 से ऊपर देश हैं और 700 करोड़ लोग हैं, और सब एक से बढ़कर एक हैं। आपसे ज़्यादा ताकतवर बहुत हैं और आप भी बहुतों से ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन आज का विषय जो कि 26 मई शुक्रवार, मेरे मन में बात उठा कि कमज़ोर मेंटलिटी का आदमी को देख करके कैसे लोग शेर बन जाते हैं। अभी मेरे साथ कुछ देर पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे लगा कि यार मुझे समझ क्या रखा है लोग। प्यार दोस्तों, सीधे सोल्यूशन की बात करते हैं। ये तो ठीक है, आप भी जानते हैं कि जंगल राज चल रहा है, घर परिवार से लेकर के दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, जंगल राज तो चल रहा है। जंगल राज बहुत सीधी सी बात है कि जंगल में चूहा को सांप खाता है, सांप को नेवला खा जाता है, नेवला को उससे बड़ा जानवर खा जाएगा, और इस तरह से शेर सबको खा जाता है। लगभग शेर के पास जाकर बात रुकती है। ये और बात है डिस्कवरी, आप देखेंगे तो कभी कभी वहाँ भी शेर भी कमज़ोर पड़ जाता है। फिलहाल आज के हम लोग के बात के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, शेर बनिए
कैसे बने सॉरी कैसे बने इस पर मेरे कुछ विचार हैं। सबसे पहले आदमी को फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। मेरे पास 5 पॉइंट हैं और मैं चाहता हूँ ये 5 पॉइंट को आप सभी नोट करें। अगर आप फिजिकली कमज़ोर हैं तो मैं हाल में पटना से लौट रहा था गंगा दामोदर एक्सप्रेस में, जनरल डिब्बे में मैं था। आज से एक सप्ताह पहले की बात है जब मैं बागेश्वर धाम सरकार के सत्संग से वापस लौट रहा था। मैं था, मेरे दोनों बच्चे थे। मैंने देखा सेकंड क्लास के डिब्बे में जो जनरल डिब्बा होता है मसल्स पावर का गेम चल रहा, जो जितना लंबा चौड़ा है, जो जितना तगड़ा है वो कमज़ोर को दबाए हुए हैं। मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि मैं शारीरिक तौर पर उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं कोई 6 फुट 2 इंच का आदमी नहीं हूँ, कोई मसल से मैं दारा सिंह नहीं हूँ और इस बात का मुझे बेहद अफसोस है। मैंने अपने दोनों बच्चों को हमेशा प्रशिक्षण दिया है, सलाह दिया है कि उम्र है तुम लोग का, मजबूत बनो नहीं तो समाज एक धक्का मारेगा, ट्रेन के बाहर चले जाओगे। खैर मेरे बच्चे मेरी बात तो कितना सुने वो तो हम ही जानते हैं, लेकिन मेरे जितने भी दर्शक हैं एक बात ध्यान रखें, अगर आप अपने लिए 15 मिनट, आधा घंटा, यहाँ तक कि 1 घंटा अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि आपने गलती की। इसलिए शेर बनने का जो मेरा पहला पॉइंट है वो है फिजिकली स्ट्रांग रहना। मैं बहुत बार सोचता हूँ कि जिम ज्वाइन करूँ, नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं अपने दर्शकों से कहता हूँ अगर घर में व्यायाम कर सके तो ठीक, नहीं तो बेहतर है जिम जाकर ज्वाइन करना, क्योंकि जिम में जब 10 लोग व्यायाम करते हैं तो आपको भी व्यायाम करने में अच्छा लगता है और वहाँ 1 घंटा कर सकते हैं। लेकिन घर में आप अकेले व्यायाम करते हैं तो कभी आप 5 मिनट करेंगे, कभी वो भी नहीं करेंगे। तो 200-300 रुपया लगे तो लगे, जिम जाइए, मसल्स बनाइए, क्योंकि मैंने बहुत सारे मसल्स बनाने वाले लोगों को देखा है जो बिना मसल वाले को पीट डाले हैं। कारण उचित हो या अनुचित उसकी परवाह नहीं करते। मेरी ये निजी इच्छा है कि मेरे जितने भी दर्शक हैं, मैं खुद भी और मेरे बच्चे भी, शरीर से मजबूत रहिए ताकि जरूरत पड़े तो किसी से दो दो हाथ भी कर सके। दूसरा पॉइंट होता है एजुकेशन। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपको शिक्षित व्यक्ति हरा देगा। कोई आदमी अगर DC है, SP है और आप अगर कोई मामूली सा क्लर्क हैं तो खतरा है। मेरे हिसाब से व्यक्ति को एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेशन इज पावर, नॉलेज इज पावर, वो तो अलग बात है, एजुकेशन इज पावर। एक पढ़ा लिखा आदमी, जैसे कोई आदमी SP है उसके सामने दारोगा है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, दारोगा के सामने कॉन्स्टेबल कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए शिक्षित होना शेर बनने का दूसरा पर्याय है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि पहला तो मसल से स्ट्रांग रहिए, यानी वही बात है, शेर बनिए गिदर नहीं। दूसरा एजुकेशन से स्ट्रांग रहिए, जहाँ तक हो सके खूब पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए, अच्छी डिग्री हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छा पोजीशन हो, तो आप समाज में शेर हैं, वरना आपको दबाने के लिए बहुत लोग तैयार बैठे हुए हैं। तीसरा पॉइंट जो मैंने देखा है वो है वेल्थ, धनी। धनी आदमी भी शेर की तरह रहता है, बहुत हद तक तो नहीं लेकिन कुछ हद तक है। मैंने पैसे की ताकत देखी है, लोग पैसे के बल पर क्या क्या जुल्म नहीं कर लेते हैं। अगर मैं जंगल राज, चूँकि आज मैं जंगल राज की बात कर रहा हूँ, जिनके पास पैसे हैं वो गरीब और कमज़ोर आदमी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार कर लेता है और बाद में थाना पुलिस, वो तो उसके हाथ में है। जैसा हम लोग फिल्मों में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं कि भाई पैसे वाला आदमी गरीब को आराम से सताता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैं पॉजिटिव बात नहीं कर रहा, पॉजिटिव बात मैं शायद किसी और दिन करूँगा, आज मैं यही कहूँगा कि पैसे वाला आदमी शेर की तरह बिहेव करता है और वो कमज़ोर आदमी को परेशान करता है। बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे जीवन में जिसे मैंने देखा है कि कैसे गरीब आदमी को लोग झुकाते हैं पैसे के बल पर। वो कुछ बोलते हैं तो गरीब को सुनना पड़ता है, जब कोई पैसे वाला व्यक्ति डांटता है तो गरीब को सुनना पड़ता है, यहाँ तक कि पैसे वाला आदमी गरीब आदमी को अपने हिसाब से चलाता है। शायद मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि पैसा वाला आदमी डिसाइड करता है कि कमज़ोर आदमी को कैसे चलना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मुझे कितना बजे उठना चाहिए, कितना बजे सोना चाहिए, कितना बजे काम पे जाना चाहिए, कितना बजे टिफ़िन करना चाहिए, मुझे कोई और बताएगा।
और मुझे सिर्फ फॉलो करना। एक घटना मुझे बहुत ही दिल से मुझे बहुत बुरी लगी थी। बहुत पुरानी बात है, तब मेरा बेटा छोटा था, 1-2 साल का था या थोड़ा ज़्यादा होगा, 4 साल का भी होगा, और उसे पूरी रात बुखार थी। वो रात भर उल्टियाँ करता रहा और मैं सवेरे सोचा कि इसको लेकर डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन फिर जहाँ मैं काम करता था उस जगह का भी दिमाग में ख्याल था, सच कहिए तो डर था। फिर मैं अपने काम पर गया, वहाँ जाके अपने बॉस को मैंने सुबह सुबह 7 बजे बोला कि हमको अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, वो 4-5 बार उल्टियाँ कर चुका है। मेरे बॉस ने कहा चुपचाप काम पे जाइए, जब जाना चाहिए था सुबह में तो सुबह जाना चाहिए ना डॉक्टर के पास, अब जाइए काम पे जाइए। और मैं इतना कमज़ोर आदमी था कि मैं काम पर गया, सारा दिन काम किया, फिर लौटा तब अपना बेटा को लेकर हॉस्पिटल गया था। ये बात बहुत पुरानी है, शायद आज से 15 साल पुरानी हो गई होगी। मेरे दिल पर इस बात का बहुत ही दाग है कि मेरा बेटा बीमार था, मेरा बेटा को वोमिटिंग हो रहा था और मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास नहीं ले सकता हूँ। कोई और डिसाइड करेगा कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यही होता है, ऐसे में बच्चे मर भी जाते हैं। ताकतवर लोग डिसाइड करेंगे कि आपको आपके बच्चे को डॉक्टर को ले जाना है कि नहीं ले जाना है। माई फुट। प्यारे दर्शकों, मेरे भाइयों, ज़िंदगी में इस काबिल बनिए कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकें। कोई दूसरा आपके जीवन में ज़्यादा इंटरफेयर करे तो उसके मुंह में ताला बंद करने का औकात रखिए। इसलिए मैंने तीसरी बात कही थी धन। अगर आपके पास पैसा है तो लगभग 90% लोगों का तो मुंह बंद किया जा सकता है। जिस जगह पर मुझे अपने बच्चे का इलाज भी नहीं कर सके, उसे कहा गया कि काम करो। कितनी दुखद बात है कि एक आदमी अपने बच्चे का इलाज भी नहीं करा सकता। इस तरह से ये तीसरा पॉइंट मैंने कहा, पहली बात मैंने कही कि मसल्स पावर होनी चाहिए, सॉरी। दूसरी बात मैंने कही कि एजुकेशन जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तीसरी बात मैंने कहा कि दौलत, पैसे आदमी के पास होने चाहिए। पैसे वाले आदमी पर बाप को आप ज़्यादा गुलाम नहीं बना सकते। अगर मेरी संपत्ति 10 लाख हो और मेरे सामने कोई 50 लाख वाला आदमी हो तो हम उसको अपने हिसाब से नहीं चला सकते। फिर से सुनिए, अगर मेरी तनख्वाह 3,000 रुपये हो और किसी की तनख्वाह 30,000 रुपये हो तो मैं 30,000 वाले आदमी को अपने उंगली पर नहीं नचा सकता। इसलिए कह रहा हूँ कि पैसे वाला बनिए, धनवान बनिए। मैंने धनवान बनने के विषय में कल रात को जो मैंने वीडियो डाले थे, बहुत कम लोगों ने देखा, व्यू मेरे आशा से बहुत कम है, सिर्फ 24 लोगों ने देखा अभी तक, क्योंकि मैं शीर्षक था उसका कि अमीर कैसे बने, कोई शिक्षक नहीं सिखाते। मैं चाहूँगा उसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आप सभी, मेरे जितने भी दर्शक हैं, आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो उसे आप देखें और शेयर करें। और आपका ये 3 पॉइंट मैंने बताया कि शेर बनिए, गीदड़ नहीं, क्योंकि जंगल राज चल रहा है। मसल से आपको स्ट्रांग रहना है, एजुकेशन से आपको स्ट्रांग रहना है और वेल्थ से, धन से आपको मजबूत रहना है। चौथी बात, पॉलिटिकल पावर। ये भी बहुत काम आता है, बहुत हद तक काम आता है। कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जिनकी जान पहचान थाने में है, पुलिस स्टेशन में है, पार्षद से है, MLA से है, MP से है, मिनिस्टर से है, चीफ मिनिस्टर से है और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर से भी है। ऐसे लोग जिनके पास पॉलिटिकल पावर होता है, ये भी दूसरे को बहुत हद तक सताते हैं, क्योंकि उनको लगता है मेरे पीछे तो नेताजी हैं ही। तो पॉलिटिकल पावर कैसे आता है, उसके लिए मैं अभी आपको शॉर्टकट में नहीं बता सकता हूँ। बस यही कह सकता हूँ कि बनाइए, समाज में खुद ही नेता बन जाइए ना, कौन मना करता है। आप जहाँ रहते हैं अपने घर के आसपास लोगों के साथ उनके प्रॉब्लम में साथ दीजिए, आप भी नेता हो जाएंगे। दो लोग झगड़े करते हो, बीच में खड़े हो जाइए, एक दूसरे का समझौता करा दीजिए। या फिर आप कहिएगा हमको क्या मतलब है, फिर आप नेता नहीं बन सकते। नेता वही होता है जिसको मतलब होता है, वो दो लोगों के बीच जाकर उनके झगड़े शांत करा करके तब वो पता चलता है कि वो समाज का बहुत ही चर्चित व्यक्ति। चलिए आज का हमारा विषय है नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा पॉलिटिकल पावर होना चाहिए। अगर आपके भी रिश्तेदार कोई मिनिस्टर हैं तो आप भी शेर है भाई, लेकिन इसमें मैं बहुत ध्यान दे दूँगा। क्योंकि अब पाँचवा पॉइंट और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति। बस ये आज का मेरे आखिरी बात है,
स्पिरिचुअल पावर से बढ़कर कोई शक्ति है ही नहीं। मसल्स पावर उसके आगे जीरो है, एजुकेशनल पावर उसके आगे जीरो है, धन की शक्ति उसके आगे जीरो है, पॉलिटिकल पावर नथिंग, स्पिरिचुअल पावर इज एवरीथिंग। आध्यात्मिक शक्ति के आगे बाकी चारों हाथ जोड़ के खड़े हैं। और स्पिरिचुअल पावर कहाँ से आता है? आज के दौर में मैं 2023 में मैं सुबह से रात तक जब मैं बागेश्वर धाम सरकार वो जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके मैं वीडियो देखते रहता हूँ और मैं देखता हूँ यही वो लड़का है जो पूरी दुनिया को अपने शेर की दहाड़ से चौंका रहा है। कैसी कैसी बातें करते हैं उनके बात सुनकर मुझे एक बात ज़रूर लगा कि बात उनकी सही हो या गलत है लेकिन बच्चे में दम है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अगर आज दहाड़ रहे हैं बिहार में 10 लाख से अधिक लोगों के साथ उन्होंने कथा किया, कुल मिलाकर शायद 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने सुना। आज वो गुजरात गए तो पता चला वहाँ भी उनके विरोधी प्लान कर रहे थे और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे हैं विरोधी शांत हो गए। तो एक नौजवान 26 साल का लड़का आज 600 करोड़ आदमी के बीच दहाड़ रहा है, कुछ तो बात है। और वो हमेशा कह रहे हैं कि उनकी शक्ति जो है वो उनके गुरु सन्यासी बाबा की शक्ति है, उनकी जो शक्ति है बालाजी हनुमान जी की शक्ति। यही होता है आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर। अगर वाकई हर आदमी अपने अपने धर्म मज़हब के हिसाब से, कोई सनातनी अगर हनुमान चालीसा का पाठ करता हो या रामचरितमानस का पाठ करता हो या योग सूत्र पर काम करता हो या मेडिटेशन करता हो, वैसा व्यक्ति जिस पावर को पाता वही होता है स्पिरिचुअल पावर। और इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर आज शेर के दहाड़ किसी के पास है तो बागेश्वर धाम सरकार के पास है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उनकी दहाड़ शेर की दहाड़ है। प्यारे दोस्तों, आपने मुझे बहुत समय दिया, मैं फिर से कहना चाहता हूँ समाज में जंगल राज है, शेर बनिए गिदड़ नहीं। और शेर बनने के जो मैंने 5 उपाय बताए, मसल्स पावर, एजुकेशन पावर, वेल्थ पावर, पॉलिटिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर, और सबसे बढ़कर जो मुझे 5ों में लगा वो है स्पिरिचुअल पावर। मैं अपनी बात, आप लोगों ने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपके पास 5ों शक्ति हो। धन्यवाद।